धक्का नहीं, ये आराम से, धक्का नहीं, आराम से, रिलैक्स है सर, भाग नहीं रहे, आराम से रोल है, रोल 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 आज 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 शुरू में बैठो ना सर। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर, आई थिंक अच्छा है इसलिए क्योंकि हमारे जो रियल हीरोज़ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और बता पाएंगे कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है। अथरो फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूँगा सर, कितना अच्छा इनिशिएटिव है इसका, घर घर में जाके इन्फॉर्मेशन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है देखा जाए तो, किसे करना पड़े जब आपका पैशन है तो कोई मुश्किल नहीं है। आई थिंक बीड़ा उठाया है तो करना पड़ेगा और ये तो एक सोच है और इस सोच को आगे लेके जाना होगा। बहुत कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर कि आप कितना दिखाना चाहते हो। मैं कहूँगा कि आप सबसे निवेदन करूँगा कि हमें सेंसेशन स्टोरी नहीं बतानी चाहिए, हमें ऐसे नौजवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है उनके बारे में बड़ी स्टोरी होनी चाहिए जो सुनकर भी अच्छा लगता है और देखकर भी अच्छा लगता है। क्रिकेट कहाँ से आ गए? उम्मीद करते हैं अंडर 19 वाले जीत के लाएंगे कप। सर कल बजट भी आ रहा है, क्या करना चाहेंगे उसके बारे में? आपने मेरे को पॉलिटिशियन समझा क्या? उम्मीद करते हैं अच्छा बजट आना चाहिए जो हर एक का हिंदुस्तानी के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे बजट से सोच बदलती है, लोगों को नए रोज़गार मिलते हैं, नई सोच होती है। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि जिस पे सारे लोग खुश हों ऐसा बजट होना चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि हर यूथ एक बार ये सोचे कि अगर उसको आर्मी में जाना हो तो कैसे जाना होगा। अगर सोच ही लेगा तो वही काफ़ी है, जाना तो बहुत ही बेहतरीन या खूबसूरत होगा लेकिन एक नौजवान जब सोचता है कि मुझे आर्मी में जाना है, सोच ही बहुत बढ़िया है। वो उसके बाद सोल्जर की कहानियों के बाद हम चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू।